सो गाइस चलिए आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड बच्चों आपकी वो सर्फेस होती है जिसके ऊपर या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो क्या होगा रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरी तरफ बच्चों रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है तो उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। यानी आपको इतना याद रखना है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा रिडक्शन होगा। अब बच्चों अगर आपको रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करना है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, तो उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए आपको बच्चों क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है। अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा रिडक्शन होगा। आप बच्चों सिंपल भाषा में ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर आपका चार्ज इक्वल होता है, अगर चार्ज क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन हो रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों सबसे मेन पॉइंट पे चलते हैं वीडियो का, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आपको बच्चों को इलेक्ट्रोड बनानी तो इलेक्ट्रोड कैसे बनती है, तो अगर बच्चों आप किसी भी मेटल को उसी के आयन के साथ प्लेस कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मान लो अगर आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करोगे, कॉपर को कॉपर के आयन के साथ प्लेस कर दोगे। ऐसे अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करोगे, जिंक को जिंक के आयन के साथ प्लेस कर दोगे। और ऐसे अगर आपको सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करोगे, सिल्वर को सिल्वर के आयन के साथ प्लेस कर दोगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपने क्या सीखा बच्चों, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो आप क्या करो, उसी एलिमेंट को उसी के आयन के साथ प्लेस कर दो तो आपका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसके बाद मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड बना के दिखा रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बच्चों कॉपर की रोड ली, और कॉपर की रोड को किसके अंदर डुबा लिया, CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। भाई CuSO4 एक्वस का मतलब क्या है, नहीं एक्वस यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉपर सल्फेट आपका किसके अंदर घुला, पानी के अंदर, यानी CuSO4 का सॉल्यूशन हो गया। अब आप कहोगे सर हमें तो कॉपर को कॉपर के आयन के साथ रखना चाहिए था, तो हमने क्या किया भाई, कॉपर सल्फेट से तो हमें कॉपर के आयन मिलेंगे, ये थोड़े ना कि हवा में उड़ के जाएंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका किससे मिलकर बनता है भाई, CuO कॉपर आयन और सल्फेट आयन से तो मिलकर बनता है, तो यहाँ से क्या फायदा होगा, मैं यहाँ से क्या मिल जाएंगे कॉपर आयन मिल जाएंगे, तो यानी सॉल्यूशन के अंदर आपके कौन घूम रहे हैं कॉपर के आयन, तो आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया, इतनी बात आपको पता चली होगी। अब बच्चों यहाँ से दो चीज हो सकती है, जब भी आप किसी मेटल को कि उसी के आयन के साथ प्लेस करोगे तो यहाँ से दो चीज हो सकती है। अब ये क्या हो सकता है, या तो ये इसके जैसा बन जाए या ये आयन इसके जैसा बन जाए, वो कैसे मैं समझा, तो आपको देखो क्या हो सकता है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, या तो ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चों, जो आपको यहाँ पे कॉपर सॉलिड दिख रहा है भाई, तो कॉपर की रोड सॉलिड इस टाइप, यानी जो आपका कॉपर सॉलिड है इसका स्टेट ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है नहीं भाई, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन सकता है, कॉपर आयन बन सकता है, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, ये भी आपका सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो एक बात तो हो सकती है भाई, या तो ये इसके जैसा बन जाए, यानी आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था भाई ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा इंक्रीज होगा। भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज कितना है आपका जीरो, लेकिन इस साइड देखोगे तो चार्ज कितना नजर आ रहा है आपको, +2 नजर आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ जीरो टू, चार्ज किस पे चला गया, +2 पे चला गया, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको साफ साफ नजर आ गया होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बच्चों, रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन में क्या होगा आपका, जो कॉपर के आयन है, यानी जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन है, सॉल्यूशन के अंदर मतलब एक्वस यानी पानी के अंदर है भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे बन सकते हैं, इसके जैसा बन सकता है, यानी कॉपर आपका सॉलिड बन सकता है। फिर दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, या तो ये इसके जैसा बन जाए या इसके जैसा बन जाए। आप यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी चेक कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे बच्चों, तो इसका चार्ज कितना है, इधर +2, यानी इधर +2 है, और यहाँ पे बताओ कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको, कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चार्ज कितना है आपका जीरो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो +2 से किस पे चला गया जीरो, यानी चार्ज घट रहा है, तो इसका मतलब क्या रिडक्शन, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यानी जब भी आप किसी मेटल को उसी के आयन के साथ प्लेस करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये इसके जैसा बन जाए या इसके जैसा बन जाए। आपने बताया देखा, देखो दो इलेक्ट्रॉन लूज करे आयन बन गया, या दो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड बन गया, तो ये तो मैंने बताया था आपको। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, वो सरफेस होती है जिसके ऊपर या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो क्या होगा रिडक्शन होगा। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मान लो अगर आपको बच्चों जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिंक में भी ऐसे हो जाएगा, बस आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लोगे, इस बार किसका सॉल्यूशन लोगे, आप समझ चुके होंगे बच्चों, ZnSO4 का, एक्वस, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन बन गया, यानी पानी के अंदर आपने घोल दिया अपने ZnSO4, इसके अंदर आप किसकी रोड डालोगे, इस बार जिंक की रोड डाल दो, बस खत्म बात, जिंक की रोड डाल दो, और यहाँ पे कौन घूम रहे होंगे, जिंक के आयन घूम रहे होंगे, फिर यहाँ पे वही कंडीशन बनती है भाई, या तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऐसा बन जाए, या इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा बन जाए। ऐसे अगर आप सिल्वर का बनाओगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिल्वर की रोड को किसके अंदर डाल दो बच्चों, AgSO4 के अंदर डाल दोगे, AgSO4 आपका एक्वस, ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और ये रोड किसकी होगी आपकी, इस बार सिल्वर की। अच्छा लास्ट में एक चीज आपको और याद रखनी है बच्चों, आप इनकी कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो भाई, आपका जो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे आपका, तो इस सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, तो इनकी कंसंट्रेशन लिखते हैं मोलैरिटी के फॉर्म में। वो कैसे, मान लो हमारे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन हम कितनी लिख सकते हैं, 1 m लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकती है कंसंट्रेशन, हमने वैसी 1 m लिख दी जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। 1 m का मतलब क्या है बच्चों, यानी 1 मोल पर
लीटर, एम आपको मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको लास्ट में बता दूं बच्चों आपके इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड बच्चों आपका क्या करता है, करंट को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाने का काम करता है। जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊंगा अच्छे से तो वहां पर आप वो वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये काम था इसका। यानी इलेक्ट्रोड क्या करता है, करंट को बाहर ले जाने या अंदर ले जाने का काम करता है। इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, डिपेंड करता है एलिमेंट पे। जैसे आपका बच्चों यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर में दो केस हो सकते थे, इलेक्ट्रॉन दे गए ऐसा बन जाए ऑक्सीडेशन करा लिया रिडक्शन करा लिया, वो डिपेंड करता है इसकी रिएक्टिविटी पे। अगर आप ध्यान से रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो कॉपर आपको कोस में नीचे नजर आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे नजर आएगा। यानी कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो यानी कॉपर क्या पसंद करता है, रिडक्शन करवाना पसंद करता है, कॉपर कैन से कॉपर बनना पसंद करता है। ऐसे अगर आप जिंक को देखोगे जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ऊपर नजर आएगा। तो जिंक क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे के बच्चों जिंक का आयन बनना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। अगर अब इस रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।